जेल दूर से आते लोग का उसको क्या बोलते हैं अभी यहाँ पर छह बार किसको पूरे बाहर मुझे उसको दवा दे दवा दो अब उसके गाड़ी को लाइट भी नहीं लगा फिर सर कम से बोलो खिजाओ के पेट में की दवा कम बखत के अजी उनके मुंह पे का हटाना थोड़ा खिलाए वाला है वो खून में तक मेरे का खिलाए वाला वो ऑटोमेटिक खून के साथ निकल रहा हो ये खून निकल रहा बहुत पुरानी दवा है वो नस नस में खून के साथ बिन गया वो खून निकल रहा सब जकड़ो 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 तेजी से पूरा अंदर क्या क्या करा कि उन्होंने मुंह में पेट में कहाँ कहाँ घुस के बैठा कि मुंह कितना खराब करा कि दाता वाता खराब कर दिया था क्या पूरे अंदर से मसोड़े पिसोड़े फूट गए थे क्या नहीं नहीं सब राइट है फिर खून के अंदर भिंगा था वो खून के साथ निकल रहा अंदर से खिंचाओ उसको और कैसे इधर मर के मर बगर खिलाए के बगर पिलाए के बगर कुछ करेंगे खाली अभी तो पढ़ना चालू रहा अल्लाह कलाम की ताकत देती है खून के अंदर दवा भिन गया जी नस नस में खिला के तो देखो खून के साथ वो सब निकल रहा हूँ खून भी निकला अंदर से मारे के मरो देख रहा ऊपर पकड़ो दिमाग चल रहा नहीं क्या डर लग रहा है तुम्हारे क्या उल्टी से वो हो रहा तुम्हारे देख के मछली आ रही क्या तुम्हारे भी सीधी पकड़ो पन्नी عوزد علي رب القرآن تطلنا سنفخ ساحلة إنا ناشئة الليل أشد وتمعق ومقلة إنا لك في النهار صباحا تبيلة واذكر اسم ربك وتبطل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة مالهم قليلا إنا لدينا أنكالا ونعمة تنزع غصة عذابا أليما يوم ترجف الجبال كانت إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وعاد فرعون رسولا فخذوا بي فكيف تركبون فخذوا يوم يجد البدن شبكتم بها كان وده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ لربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تخم وتمس الجبل يسبق الصدوس طائفة من الذين معك والله يخم أول النهار علم لن توصف التبلغم فأخر مد يسر فأخر مد يسر فأخر مد يسر من القرآن علما سيكون منكم مرضى واقعون يزرمون في الأرض مفرد لله واقعون يخاطر في صد فاخر مكتب محمود السلد وتزكى وقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم جلاؤ اس کو اندر سے جلا کے پورا باہر کی جو تیزی کے ساتھ میں
तेरे लगा और जोर से पूरी ताकत लगा। लगा पूरी ताकत लगा और जोर से। पानी दम करके पिलाओ एक हाथ से, अपने पेट में से आग लगाओ। जलाओ उसके पेट में से आग लगा के सारी दवा बाहर खींचो, पूरा पिला के हटाओ मत। खींचो उसके पेट में से आग लगा के सारी दवा बाहर। थी वो रिश्तेदार नहीं थी, औरत थी, आदमी था, औरत थी वो। पेशेंट का क्या नाम है ये? कौसर। के कौन थे वो? वो हमारे मामू की बेटी थी। कहाँ रहती थी वो? गौरी बिंदौर में थी वो। कहाँ पे? गौरी बिंदौर। क्या गौरी बिंदौर? क्या है गौरी बिंदौर? गांव का नाम है। देखने गई थी। हाँ, ये कौसर गई थी उसको देखने। इंतकाल हुई थी उन्हें। हाँ, इंतकाल हुई था, देखने गई तो हुसरत में बोलती नहीं। सही बता, इसके अंदर कौन ला के डाले, इसको दवा कौन खिलाए थे? कम बखत अब भी दो टुकड़ों में चीर दूंगा। हाँ, फिर इसको कब मारो बोले थे कौसर को? अम्मास में पुन्नम में कब मारो बोले थे? कि बहुत पहले खिला के छोड़े वाला है, ऐसा खुद ब खुद लगा रहा नहीं है। खून आया पूरा उसमें, सब दवाई के साथ में मिला के पूरा खून में भिन गया था, नस नस में ऑटोमेटिक उल्टी हो रही थी और उसके साथ खून निकल रहा था। वो अभी भी पूरा खून है, पूरा लगा वाला ले रहे नजदीक से मार। खिलाए वाला है वो, खिला के अंदर नस नस में बिठाए थे, निकल रहा था ना अपनी बाहर। बोल रहे कौन खिलाए थे, नाम बोल उसका। नाम फाती है वो। जिंदगी मर गई? मर गई है वो। उन्हें जादू करी थी इसके ऊपर? मर गई, जादू करी। कौसर का क्या लिख गई थी उन्हें जादू चलाते वक्त? क्या भी नहीं, उन्हें अच्छी लिखी उसने में। अच्छा, कब मारने का था इसको? अम्मास में पुन्नम में। कौसर को मारने वाले कब थे जान से? अम्मास में पुन्नम में कब? कौसर की जान कब लेने वाले थे? कब मारने वाले थे? कब? अम्मास में पुन्नम में। अच्छा, जो जैसा मौका मिला वैसा, दोनों में से भी एक में। अच्छा, इसके घर से और किसको मारने वाले थे? कौसर के घर से उसके मरद को, बच्चों को? अच्छा, उसको इकलौती कुछ मारने वाले थे? चलो ठीक है, नाला के सारे शैतानों को ले जादू टोने को बन के डालो, इन्हें दूसरे चक्कर तक आके मेरे सामने सब खुलासा करना। कौन ला के डाले थे, कहाँ से आई थी इन्हें, किसने जादू चलाया था, क्या लेके गए थे इसका, और उसको किस चीज़ में मिला के खिलाए थे, कैसा जादू टोना चला, क्या क्या मसले थे, ये सब आके बयान करना है। नाला शैतानों को बन के डालो, इनको दूसरे चक्कर तक इनको मार मार के कमजोर करके मेरे सामने लाओ। पानी पिलाओ उनको, कैमरा ऊपर से चलता है। गिलास में डालो, लगे वाला शैतान नहीं है वो, लगाए वाला है वो, लाके छोड़े वाला, खिला के करके दूसरे चक्कर तब लेंगे अच्छे से खुलासे में, क्योंकि शरीर में जो अंतर्मन तक शक्ति खत्म करना पड़ेगा ना पहले। सलाम वालों से।
तो क्या करेंगे अभी, एक मिनट में थोड़ी सी लोता हूँ, दिख रहा है खून में भी नहीं आ रहा है, ज्यादा खून में जो जोर मार के पढ़ाई करके करिए दिल पे होगा ना एकदम, अभी खींच दूंगा झटका मार के तो दिल से अटैच कर देंगे ना, खून में भी नहीं आ रहा है ना, दिख रहा नहीं तुम्हें खून आ रहा था, तो दवा खून में भी नहीं आई पूरी। खैर इंशाल्लाह कराते सब राइट, मजे सब बताओ सब करो, अल्लाह के हुकुम से सब दुरुस्त होगा। और दूसरी बात क्या बता दो, नमाज पढ़ना पांच टाइम की, उनको भी पढ़ने लगाना, कुरान पढ़ने लगाना, सब इबादत भी मजबूती से करना ना, सारा इबादत की रस्सी को मजबूती से थाम के रखना, नहीं तो ऐसी चीजों से महफूज रहेंगे, इबादत नहीं करेंगे जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख। अगर इबादत तुम लोग नहीं करेंगे और इबादत की रस्सी को तुम मजबूती से नहीं थामेंगे तो किसका कुछ नहीं जाने वाला है, तुम्हारे को ही वबा में घिर लिया जाएंगे और तुम्हारे से आमाल तुम्हारे, अल्लाह किसी को अजाब डालता नहीं, अल्लाह किसी से नफरत नहीं करता, अल्लाह सबसे 70 माह की मोहब्बत करता, ये जो लोगों के आमाल रहते तो ये लोगों के आमाल लोगों को परेशान कर देते, तो इसलिए अपने आमाल अच्छे बनाओ और अपने आमाल अगर अच्छे रहेंगे तो अपन सब राइट रहेंगे दुनिया में। तुम बोलते ना जैसी करनी वैसी भरनी, तुम लोग बोलते कि अल्लाह ने हम आपको तकलीफ दे दिया, अल्लाह ने हम आपको ये दे दिया, अल्लाह हमारे नसीब, अल्लाह किसी से नहीं, अल्लाह सबसे 70 माह की मोहब्बत करता, मगर ये जो तुम्हारे परेशानियों में डालते आफतों में डालते तुम्हारे आमाल रहते हो, इसलिए अपने आमाल अच्छे रखो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थाम के रहो, इबादत की रस्सी को तुम मजबूती से थामेंगे कुरान हदीस ये सब चीजों को, तो फिर तुम्हारे आमाल खुद बहुत अच्छे हो जाना चालू हो जाएंगे, जब तुम्हारे आमाल अच्छे रहेंगे तो तुम्हारे साथ में सुलूक भी अच्छा होगा ना, और तुम्हारे डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह ने इनामत रखे दुआओं के ऊपर, दुआ मोमिन का हथियार है, तो वो इनामत से तुम लुत्फ अंदाज होंगे, वो इनामत तुम्हारे मिलेंगे, उससे तुम्हारे फैज मिलेगा, वो इनामत का जो गिरेगा तो बच्चे बनेंगे, तुम्हारी हिफाजत होंगे हर मामलों में, ढाल बन के वो इबादत तुम्हारे साथ रहेंगी, नहीं पढ़ेंगे तो किसका क्या देगा, जैसी करनी फिर वैसी भरनी बोल देंगे तुम, फिर बेमौत मारे देंगे वक्त से पहले, तो इसलिए और अल्लाह ने ऐसा नहीं बोल के नहीं कि कौन तुम्हारे दिमाग में भर दिया ये सब बातें, भूसा भरे वैसे बातें भर दिया तुम्हारे दिमाग में बेवकूफ लोगों, इतना तो समझो कि अल्लाह ने बोल दिया अल्लाह की पत्थर की लकीर है, हर चीज अल्लाह के मातहत है, हर चीज पे अल्लाह कादिर है, मगर मौत से पहले भी मौत रखा अल्लाह ने, बोलते कि नहीं जाहिल बना मत करो, पढ़ा लिखे कुछ जाहिल बोले आला है, अनपढ़ को जाहिल नहीं बोले आला है, जो पढ़ा लिखा गवार है उसको जाहिल बोले आला है इस्लाम में, जाहिल जो लफ्ज है ना सिर्फ पढ़े लिखे के वास्ते यूज करे आला है कि जाहिल, यानी कि पढ़ के भी कुछ मतलब है, अनपढ़ को तो जाहिल नहीं बोल सकते, तो तुम पढ़े लिखे गवार आए, क्योंकि तुम ऐसा बोलते कि मौत से पहले तो मौत आ ही नहीं सकती, अल्लाह ने मौत मुकर्रर कर दिया, अल्लाह के मातहत मौत है, अल्लाह जब इशारा देगा जब मौत होगी, बेशक 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 हर चीज अल्लाह के मातहत, मगर अल्लाह ने मौत से पहले मौत भी रखना, कुरान में बता दिया ना तुम्हारे, मौत से पहले मौत है, बोल दिया कि हराम मौत है, उसके करीब मत जाओ, उसके करीब देंगे तो तुमको फिर अल्लाह नाराज हो जाएगा। दूसरी बात, मौत से पहले और एक मौत रखा शहादत की, जाओ राहे फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में शहीद हो जाओ, अल्लाह को इतनी पसंद है शहादत की मौत कि अल्लाह फरमा देता है कि शहीद मुर्दा है ही नहीं, वो जिंदा है, उसको जिंदा कहो उसका रिक्शा उसको बरबर देते, तेरी मौत से पहले दो मौत हो गए, तो जो जादू टोने से मारने वाली मौत रही थी तो वो भी कौन से हराम मौत में जाती हो, जो सुसाइड करके मरते ना, तुमको मालूम हो जाने के बाद भी तुम क्या बोलते, नहीं हम नहीं मानते अल्लाह के छात में मौत है, बेशक अल्लाह के, मगर अल्लाह ने तुमको बता दिया ना तुम पे जादू टोना, तुम मरने वाले, और तुम अगर ना मान के भी मालूम होने के बाद भी नहीं मानेंगे जाहिलिया करेंगे फिर तुम मर जाएंगे हराम मौत होगी, मान के जान बचाने की जद्दोजहद करते हुए मरेंगे, जद्दोजहद जान बचाने की, इसमें जान बचाना भी फर्ज है, फिर तुमको इधर की पार्टी में रखा जाएगा शहीद के, अगर उस दौरान में कलाम इलाही की मदद लेते हुए अगर दुनिया से रुखसत हो गए, वैसे तो होने ही नहीं देते शैतानों के, औकात ही नहीं कलाम इलाही के सामने आकर टिकने की, तो तुमको बचा लिया जाएगा, और अगर तुम नहीं भी बचे और नियत करे थे अल्लाह कलाम से बचने की, उस दौरान में इंतकाल कर गए तो तुमको उधर शहीद शहादत की पार्टी में रखा देगा, और अगर नहीं मानते हुए जाएंगे हमें बातों को नहीं मानते ऐसा नहीं रहता, तो फिर तुम जाहिल हो गए, जान के भी अनजान मर रहे, फिर तुम आपको हराम मौत की पार्टी में रखा देगा, ये पढ़ो और ये समझो तुम आप समझ में, मौत से पहले रखा लेना, मगर ये सब चीजों से तुमको महफूज रखते दुआ है, दुआ मोमिन का हथियार है, हर चीज की दुआ याद करना, अल्लाह ने तुम पे इतना एहसान करा कि खाने की दुआ, चलने की, फिरने की, उठने की, बैठने की, हर चीज की, यहाँ तक कि बैतुल खला वॉशरूम तक जाने की दुआ दी अल्लाह ने तुमको, जबकि दुनिया के कोई भी मेरा जहां तक कहना और दूसरे किताबों में धर्म जितने भी आगे के पैगंबर उनकी किताबों में नहीं होंगी वॉशरूम की दुआ, यहाँ तक तुमको अल्लाह ने वॉशरूम की तक दुआ दिया, इतना तुमको महफूज कराने के वास्ते, तुम जो वॉशरूम की दुआ पढ़ के जाते हो तुम्हारे और वहाँ के खबीस के बीच में पर्दा गिरा देता है, ये सब बातों से तुम अमल करेंगे तो महफूज रहेंगे, नहीं तो किसी का कुछ जाएगा नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, जो ना मांगे सीख फिर वो मांगे दर दर भीख, जादूगरों के पास जाना नहीं, जादूगर हमें से नहीं है, हमें से नहीं है, हमें से नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए, और जो जादूगर के पास जाएगा उसकी भी मैं शफात नहीं करूंगा हश्र के दिन, और जो जादूगर है उसकी भी नहीं करूंगा, क्योंकि हमें से नहीं है, सरकार ने फरमा दिए,
भी बहुत बुरे और गलत बातें। हाँ, तुम अल्लाह वालों के पास जाओ, बुजुर्गाने दीन के पास जाओ, वहां जाने से तुम्हारा ईमान मजबूत और ताजा हो जाता। समझ गए, अल्लाह कहने सुनने ज्यादा सब अमल करने की तौफीक दे। इंशाल्लाह आगे ग्राउंड में इनका खुलासा कौन डाला था, क्या डाला था, अच्छे से नाम हो। ठीक है, चलो।